तो हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिलहाल अभी मेरे पास माइक भी नहीं है, लेकिन तब भी मेरा फार्म का जो कंस्ट्रक्शन है लगभग ऑलमोस्ट ऊपर का कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक बार पूरा क्लियर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। और पूरा फुल वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे क्या काम हुआ। दो दिन तक लगभग हुआ है, अभी फिनिशिंग होने में आफ्टर 5 to 10 days बाकी है। तो फ्रेंड, आपको ये मेरा 1020 स्क्वायर फीट का आपको कैसा ओपन एवियरी लगा, प्लस इसका ब्रीडिंग सेटअप कैसे लगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो लोग दुर्गापुर बर्ड फार्म से जुड़े हुए हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई भी बर्ड्स के लिए, आपको मेरा मैनेजिंग नंबर व्हाट्स डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए मैं बैक कैमरा करके आपको मैं सब कुछ दिखाता हूँ। ये आपका GI का अभी लेके जा रहा हूँ अपने फार्म में, और लगभग सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब एक एक करके जस्ट इसको उठाना है और लेकर जाना है। और ये आपका फुल्ली GI है, जिससे बारिश में आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बारिश में आप इजीली उसके साथ ये कर सकते हैं, और चाहे लाइफ टाइम एक आप बोल सकते हैं कि आप 20 to 30 years के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ। ये अब आ गए और ये अभी एक एक करके सभी बॉक्स में आपका सेट हो गया है। कुछ अभी बाकी है और अभी वेल्डिंग का काम चल रहा है। वेल्डिंग का काम एक दिन पूरा लिया। अब मैं आपको वेल्डिंग का काम आजकल ये यहाँ पे समाप्त है, उसके बाद अगले दिन मैं लेके चलता हूँ। उसके बाद वाले दिन ये टीन का पूरा सेडिंग, जो आफ्टर मतलब 2-3 दिन का वर्क है, जो टीन सेडिंग कंप्लीट हो गया है, मतलब आधा अभी कंप्लीट हुआ है और अभी अंदर में अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है। उसके साथ मैं आपको लेके चलता हूँ छत में, कि छत में जो टीन सेडिंग का काम हुआ है, वो टीन सेडिंग का कैसा काम हुआ है। अभी ये छत के ऊपर कुछ मिस्त्री है जो कि माप रहे हैं टीन सेटिंग का क्या साइज होगा, यही सब देख रहे हैं। और ये काफ़ी ये 3rd floor में है, इसीलिए आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए मैंने डबल टीन सेटिंग दिया हूँ। और यहाँ से काफ़ी दूर अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी नीचे है। तो चलिए मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ। ये मिस्त्री कैच दे रहे हैं, एक बार फिर से दिखाता हूँ किस तरह कैच प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये कैच प्रैक्टिस में ये यस तो काफ़ी अच्छा से काम चल रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जब पूरा मेरा फार्म फिनिश हो गया था। सो गाइस, मैं आपको लेके आ गया जब मेरा फार्म का टीन सेडिंग का काम आफ्टर 3 days बाद पूरा कंप्लीट हो गया है। और अभी आपका सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी है, 2 side टीन सेडिंग हो गया है और ब्रीडिंग सेटअप जहाँ होने वाला है वहाँ पे अभी शटरिंग चला हुआ है। तो ये शटरिंग जब खुलेगा, यही पूरा आपका जहाँ पे सन कॉर्नियर से लेके अफ्रीकन ग्रे से लेके हर एक का ब्रीडिंग सेटअप है, जो कि बायां साइड में भी और है। तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है, चारों तरफ से एकदम हरियाली हरियाली है, जहाँ से नेचुरल हवा आपको आ सकता है, धूप आ सकता है, बारिश आ सकता है और आपका ओपन एवियरी काफ़ी अच्छा होता है। तो फ्रेंड, आप वीडियो देख कर कमेंट में ज़रूर बोले कि हमारा ओपन एवियरी कैसा लगा और मेरा नया बर्ड फार्म कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अभिषेक इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहूंगा। सो फ्रेंड, धन्यवाद दोस्त।